The new batsman, the South African captain, 27-year-old Hansie Cronier, playing in his... 17 जून साल 2000 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड में बम फूट गया जब साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे हेंसी क्रोनिये ने भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन पर यह आरोप लगाया था। उन्होंने उनकी मुलाकात एक सट्टेबाज से कराई थी और मार्च 2000 में भारत के साथ खेला गया मैच पूरी तरह से फिक्स था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में हेंसी क्रोनिये ने ये बात कही क्यों थी, और सबसे बड़ी बात कि साल 2000 में हेंसी ने ऐसे क्या खुलासे किए थे जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। अगर नहीं तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं क्रिकेट की दुनिया का वो काला समय जब मोहम्मद अजरुद्दीन से लेकर हर्षव गिल जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स का नाम मैच फिक्सिंग में जुड़ गया था। मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट। अप्रैल 2000 हेंसी क्रोनिये ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन किया और कहा कि भारत में हुई एक सीरीज के दौरान वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे, और उन्होंने कबूला कि मैच की जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें 10 से 15 हजार डॉलर मिले थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और 12 अप्रैल 2000 को उनकी जांच के आदेश दे दिए गए। असल में हेंसी के इस कन्फेशन से 3 दिन पहले 7 अप्रैल 2000 को दिल्ली पुलिस ने हेंसी पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे और कहा था कि हेंसी एक भारतीय सट्टेबाज संजय के साथ मिलकर मैच फिक्स कर चुके थे। 9 अप्रैल 2000 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेंसी ने कहा कि मैं इस बात को 100% साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी भी भारत में होने वाले किसी भी वनडे सीरीज के लिए पैसे नहीं लिए और मैंने किसी भी टीममेट से बात नहीं की। लेकिन जल्द ही उनका ये सफेद झूठ दुनिया के सामने आ गया जब दिल्ली पुलिस ने हेंसी और सट्टेबाज संजय की बातचीत जारी कर दी, जिसमें हेंसी को हर्षव गिल्स के साथ साथ निकी बॉय की रकम तय करने के लिए सुना जा सकता था। इसके बाद हेंसी टूट गए और उन्होंने 10 अप्रैल की रात मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन करके खुद मैच फिक्सिंग की बात कबूल कर ली। हेंसी की फिक्सिंग की बात कबूलते ही भारत समेत पूरे क्रिकेट की दुनिया में मानो सैलाब आ गया हो। इस मामले की जांच करने के बाद 12 अप्रैल 2000 को एक कमीशन का गठन किया गया। जांच के दौरान ऐसे कई बड़े खुलासे हुए जिसे सुनके सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट बोर्ड के आला अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। मामले की जांच में पाया गया कि हेंसी ने जनवरी 2000 में इंग्लैंड के साथ खेले गए एक टेस्ट मैच में फिक्सिंग की थी। साथ ही साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर पेट सिमकोक्स कमीशन के सामने आए और उन्होंने बताया कि साल 1995 में हेंसी पाकिस्तान के साथ एक मैच में जानबूझ के हारे थे, और साथ ही में बताया 1996 में मुंबई में खेले गए एक मैच को हराने के लिए उन्होंने $2.5 लाख लिए थे। 8 जून 2000 को हर्षव गिल्स ने भी कमीशन के आगे आके कबूला कि भारत के साथ वनडे मैच में 20 से कम रन बनाने के लिए उन्होंने $15,000 लिए थे और ये रकम हेंसी ने ही उन्हें दी थी। साउथ अफ्रीका के एक और फास्ट बॉलर हेनरी विलियम्स ने कहा था कि भारत के खिलाफ ज्यादा रन देने के लिए उन्हें हेंसी द्वारा पैसों का ऑफर दिया गया था। एक और साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर पीटर स्टैडम ने कमीशन को बताया मुंबई मैच से पहले हेंसी ने उन्हें और मार्क बाउचर को पैसों का ऑफर किया था, जिसके बाद हेंसी ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को कबूल कर लिया और उन्हें आजीवन इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। साथ ही हर्षव गिल्स और हेनरी विलियम्स पर भी कुछ समय के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन ये मामले का अंत नहीं था। असल में इस मामले में भारत सरकार भी दखल दे रही थी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड में भी यहाँ मैच फिक्सिंग की जांच करने के लिए CBI जांच के आदेश दे दिए गए थे, क्योंकि हेंसी ने जिन सट्टाबाजों के साथ मिलकर मैच फिक्स करने की बात कही थी वो भारत का ही था, और साथ हेंसी ने भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन पर यह आरोप भी लगाया था कि संजय के इस सट्टाबाज से उन्होंने ही उसकी मुलाकात करवाई थी। हेंसी के इन आरोपों को अजरुद्दीन ने बेबुनियाद बता दिया और कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हेंसी के इस बयान से भारत में कलह चालू हो गई
जिसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन की जांच की गई। कुछ सालों बाद ही कोर्ट ने उन्हें बेकसूर करार दिया, लेकिन हेंसी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल कर लिया, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हेंसी पे लगे आरोप इतने गंभीर थे कि उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगाने तक की बात साउथ अफ्रीका सरकार ने कर दी थी, लेकिन एक समझौते के चलते उन पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सके। समझौते के हिसाब से हेंसी को उन पर उन सभी आदमियों के नाम पुलिस को बताने के लिए कहा गया था जो मैच फिक्सिंग से जुड़े थे, लेकिन 2 साल तक हेंसी ने अपना मुंह ही नहीं खोला और मजबूरन साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने हेंसी पे क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए। लेकिन जैसे ही हेंसी पर क्रिमिनल चार्जेस लगे, वो उन लोगों का नाम बताने के लिए तैयार हो गए। अगले ही कुछ दिनों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई। मतलब साफ था कि मैच फिक्सिंग करने वाले लोग बहुत ताकतवर और पहुंचे थे, जो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि उनका नाम लोगों के सामने निकल कर आए। दुनिया के लिए हेंसी की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन जो लोग इस केस को करीब से स्टडी कर रहे थे, उनके लिए ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। बात कुछ भी रही हो, लेकिन हेंसी के उस बयान से साबित हो गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ना सिर्फ फिक्सिंग होती है, बल्कि बड़े और दिग्गज क्रिकेटर्स भी इस फिक्सिंग में शामिल होते हैं, जिसके बाद क्रिकेट का खेल क्रिकेट प्रेमियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और यही कारण है कि आज भी IPL पर फिक्सिंग के आरोप लगते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आज भी क्रिकेट में फिक्सिंग होती है, या फिर इस घटना से क्रिकेट में फिक्सिंग नाम का दीपक पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से भारत में आज भी इस खेल को लोग अपनी जान शान और मान समझते हैं, उससे तो यही साबित होता है कि क्रिकेट मैच अब इन सभी चीजों से दूर पानी की तरह साफ है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट टॉपिक पर हम वीडियो लेके जरूर आएं, तो इस बात का भी सजेशन आप हमें कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। हम आपकी डिमांड पे वो वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर आप चैनल पे नए दर्शक हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिखने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए और देश और दुनिया के साथ साथ टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी नॉलेज और बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय बाय।